आज से लॉकडाउन 5 की शुरुआत और अनलॉक 1 फेज 1 की शुरुआत भी आज से हो चुकी है। यानी धीरे धीरे अब चरणबद्ध तरीके से देश को अनलॉक किया जाएगा और जो चीजें बंद हो गई थी, कहीं स्थिर हो गई थी, अब धीरे धीरे जो जनजीवन है वो पटरी पर आ सकेगा। बातचीत करेंगे, अंजनी हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं और प्रभात जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं लाइव। सीधे चलते हैं अंजनी के पास। अंजनी, देखिए देश भर में आज से लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो चुकी है, साथ ही साथ अनलॉक फेज 1 की भी शुरुआत हो चुकी है, कई चीजों की छूट भी दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो तमाम फैसला है वो राज्य सरकार पर छोड़ दिया है कि अपने तरीके से राज्य सरकार देखे कि आपको राज्य में छूट देना है कि नहीं। तो सवाल यही होगा कि अभी फिलहाल हेमंत सरकार क्या विचार कर रही है, क्या झारखंड में छूट दी जाएगी या फिर लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा? देखिए पुनीता, सबसे गौर करने वाली बात यह है कि झारखंड की जो अभी वर्तमान में जो स्थिति है, लगातार कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और ये राज्य सरकार और प्रशासनिक अमला के लिए एक परेशानी का सबब है और यही वजह है कि कल फैसला नहीं हो पाया है, संभवतः आज फैसला होगा। अब देखना ये होगा कि लॉकडाउन 5 होगा या अनलॉक 1 की शुरुआत होगी झारखंड में। पूरे भारत में देखेंगे तो कई राज्य जो हैं लॉकडाउन 5 की राह पे चले हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, क्योंकि वहाँ की भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो अब देखना होगा किस तरह का तालमेल होता है, लेकिन इतनी तो मतलब राहत वाली बात जरूर होगी कि कई प्रतिष्ठान जो बंद रहे थे, प्रतिष्ठान खुलेंगे, कुछ राहत जरूर मिलेगी और जो कंटेनमेंट एरिया जो अपना समय अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, मतलब 28 दिनों का, तो वो एरिया जरूर खुलेंगे। लेकिन अभी भी झारखंड में कई जो कंटेनमेंट एरिया है वहाँ किसी भी तरह की कोई बड़ी राहत नहीं मिलेगी, लेकिन ये फैसला जो है संभवतः आज शाम तक जो है आने की उम्मीद लगती है, क्योंकि कल काफ़ी देर तक मुख्य सचिव भी बैठक करते रहे लेकिन एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि निष्कर्ष पे नहीं पहुंचने का मुख्य कारण जो माना जा रहा है कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या जो बढ़ रही है वो परेशानी का सबब है। लेकिन अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि मार्केट पूरी तरह से बंद है, बाजार में पैसे का फ्लो नहीं है और आर्थिक गतिविधियाँ कैसे सरकार पैसा अर्जित करे, सरकार को कैसे इनकम हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत जरूर हो रही है और ये आने वाला जो लॉकडाउन 5 होगा या अनलॉक 1 होगा, लेकिन उसमें कुछ बड़ी राहत जरूर मिलेगी। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरह के फैसले आते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, जो धार्मिक संस्थान 8 जून से, केंद्र ने बताया कि 8 जून से सभी धार्मिक संस्थान खोले जाएंगे, तो ये तमाम फैसले राज्य सरकार करेंगी और क्या होगा ये देखना अभी हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन इतना तय है कि अभी पूरे 30 जून तक जो है सभी जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो नहीं खुलेंगे, इतना तय है। तो जो जो बच्चे घरों में हैं उनके लिए खबर यही है कि आप घरों में रहें, ऑनलाइन पढ़ाई करें और अपना सिलेबस खुद पढ़े, मेहनत करें। बिल्कुल अंजनी, और ये फैसला हो सकता है कि अनलॉक फेज 2 में लिया जाए कि आखिर स्कूल कॉलेज जो है उसे खोला जाए या फिर नहीं। चलिए अंजनी बने रहिए, हम सीधे चलते हैं जमशेदपुर। प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, देखिए अनलॉक 1 की आज से शुरुआत हो चुकी है, यानी धीरे धीरे अब जो है छूट मिलनी शुरू हो जाएगी देश भर में, लेकिन जिस तरीके से अगर हम जमशेदपुर की बात करें यहाँ पर लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, चिंता का विषय सरकार के लिए भी, जिला प्रशासन के लिए भी कि आखिर कैसे संक्रमण को रोका जाए। और इसलिए जो है अब तक सरकार फैसला नहीं ले पाई है कि क्या राज्य में छूट मिलनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अगर छूट मिलती है तो अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो हो सकता है कि वहां पर राहत ना मिले, क्योंकि लगातार वहां पर आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल पुनीता, आपने सही कहा कि जिस तरीके से जमशेदपुर में जो कोविड-19 के जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं, कल भी नए 10 पेशेंट आए हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता की बात जरूर है प्रशासन के लिए और मेडिकल महकमा के लिए। निश्चित है जिस तरीके से जमशेदपुर में केसेस बढ़ रहे हैं, अब तो 15 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और ऐसे भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये है कि जहाँ कंटेनमेंट जोन रहेगा वहाँ छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन
और सब जो सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में छूट मिलनी चाहिए। मैं एक चीज और बात का जिक्र करना चाहता हूँ पुनीता, कि टेलको की एक युवती थी जिसे पेट में दर्द था और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उसे फिर उसके बाद उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन कल उस लड़की का सैंपल लिया गया था और वो पॉजिटिव पाई गई है। तो हालांकि जिला प्रशासन अब तक जितने भी पॉजिटिव केस जमशेदपुर में आए हैं वो सारे प्रवासी मजदूर है, लेकिन एक हॉस्पिटल में युवती इलाज कराने गई थी और उससे पॉजिटिव आया, तो कहीं ना कहीं जमशेदपुर प्रशासन और मेडिकल महकमा के लिए चिंता का विषय है। इसीलिए जो टाटा मोटर अस्पताल में इलाज चल रहा था, टाटा मोटर अस्पताल के जो डॉक्टर है और नर्स है उन्हें क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन करने का आदेश दे दिया गया और होम क्वारंटाइन हो गए। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो जरूर है, जिस तरीके से हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं जमशेदपुर में और राज्य में भी बढ़ रहे हैं, जैसे कल धनबाद में भी 22 नए केसेस आए हैं और जमशेदपुर में भी 10 नए केसेस आए हैं, तो निश्चित है कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय है। लेकिन एक और ये भी देखना है कि जो और जो अन्य सेक्टर है जैसे ऑटो हो गया, रिक्शा हो गया, और जो दिनचर्या है, जो रोजी डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफी लंबा लॉकडाउन है और लॉकडाउन 5 में ही हम लोगों को संभवतः, अब तो हालांकि राज्य सरकार को लेना है निर्णय, लेकिन आने वाले दिनों में राज्य सरकार क्या निर्णय देती है, शाम तक क्या निर्णय आता है ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं और कुछ चीजों में छूट दी जाएगी, जैसे चेंबर के लोगों ने कुछ 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर ये कहा था कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उन्हें भी छूट दी जाए, क्योंकि उनकी भी अब रोजी रोटी चलना बहुत मुश्किल हो गया, जो जमा पूंजी था वो खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार इस पर भी ध्यान देगी, क्योंकि बन्ना गुप्ता ने राज्य के मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा भी की थी। तो ये जो छोटे छोटे जो चीज है, छोटे छोटे जो दायरा है, उनमें कहीं ना कहीं छूट मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो कंटेनमेंट जोन में आ रहा है वहां हमको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कुछ छूट मिलेगी, जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं जमशेदपुर में और हर दिन केस बढ़ रहे हैं, और ये सारे जितने हैं प्रवासी मजदूर है। कल भी जो केसेस आए थे पुनीता, उसमें 5 मुसाबनी के थे, 2 घाटशिला, 2 धालबुमगढ़ और 1 गोविंदपुर के। तो जिस और निश्चित है जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, आने वाले दिन में देखना होगा कि आज क्या राज्य सरकार के जो सचिव है या मुख्यमंत्री है क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन प्रशासन सरकार के लिए चिंता का विषय तो जरूर है, जिस तरीके से COVID-19 का पेशेंट जमशेदपुर में लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जितने भी पेशेंट आए सारे सबका ट्रैवल हिस्ट्री है, लेकिन एक युवती को छोड़कर जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, वो चिंता का विषय है कि आखिर वो हॉस्पिटल से कहीं संक्रमण नहीं फैला हो, या फिर क्या कारण रहा है जो गोविंदपुर में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया वो कहीं उसके साथ में उसके दायरे में रही हो। ये सब प्रशासन उसकी हिस्ट्री जानने का प्रयास कर रहा है। ये भी प्रशासन का कहना है कि हो सकता है कोई बाहर से घर पे आओ उसके चलते उस युवती में आई हो। तो कहीं ना कहीं हम ये कहें कि लोगों को सतर्क रहना होगा, जिस तरीके से COVID-19 का पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि राज्य सरकार छूट देगी तो उसमें भी उसको पालन करना होगा, जो नियम है उसे पालन करना होगा, सामाजिक दूरी बना के रखनी होगी, बहुत ज्यादा जरूरी है तो आपको बाहर जाना होगा। और आज से तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, हालांकि उसमें जो जरूरी चीजें हैं या हॉस्पिटल जाने की बात हो या फिर बहुत ज्यादा जरूरी दवा लेने जा रहे हो, इन लोगों की छूट है। लेकिन ये छूट अगर दे रहे हैं केंद्र सरकार, तो लोगों को भी सजग रहना होगा, समझना होगा कि आपके लिए बेहद जरूरी है प्रभात। और अब जो सबकी निगाहें टिकी हुई है वो राज्य सरकार के फैसले पर टिकी है कि आखिर राज्य सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। बने रहिए प्रभात, सीधे चलते हैं बोकारो। सुरेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुरेंद्र, अगर बोकारो की बात करें तो वहां की स्थिति अगर दूसरे जिलों के मुकाबले देखें तो काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी लगातार जिस तरीके से पूरे झारखंड की बात करें आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, लगातार कोरोना का ब्लास्ट हो रहा है, तो एक चिंता का विषय अब हर एक जिले के लिए बना हुआ है, क्योंकि देखिए 24 जिलों तक संक्रमण का खतरा फैल चुका है। ऐसे में अगर वहां पर ढील दी जाती है तो किस तरीके से लोगों को जो है पालन करना जरूरी होगा कि ताकि जो ये संक्रमण का खतरा, जो दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, वो बोकारो में ना बढ़े। कहना सही है, जिस तरह से झारखंड में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये लोगों को भी समझना होगा। जिस तरह से हम देखते होंगे आती बसों में लिखा होता है कि अपनी सामान की रक्षा स्वयं करें, तो यह चीज अब लोगों पर लागू होता है कि अगर कोरोना से बचना है तो खुद से बचाव करना होगा, और अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि का प्रयोग करना होगा। अगर हम बात करें लॉकडाउन 5 जो कि लॉकडाउन 4 का कल समाप्ति हो गया और प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 5 का भी ऐलान कर दिया है 1 जून से लेकर 30 जून तक, तो इसमें अनलॉक 1 भी शुरू हो जाएगा आज से। और इसमें प्रथम चरण में अगर देखा जाए तो जिस तरह से 1 जून से 8 जून में बताया गया है कि इसमें मंदिर, मस्जिद
और जो इस तरह है ये सारी खुलने की मॉल खोलने की बातें चल रही है। वहीं दूसरी में जो की स्कूल है, कॉलेज है और अन्य जो संस्थान है उसको लेकर दूसरे फेज में 30 जून के बाद बात होगी जो कि राज्य सरकार निर्णय लेगी। अगर वही हम तीसरे फेज की बात करें अनलॉक की, तो उसमें जिस तरह से निर्णय आया है कि स्विमिंग पूल हो, बार हो, रेस्टोरेंट हो, अन्य जो भी चीज है उस पर निर्णय लिया जाएगा। अगर हम बोकारो में बात करें, बोकारो में भी शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि कोरोना पॉजिटिव के मामले काफी आ रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर जिस तरह से जिला प्रशासन ने अपना काम किया है वो काफी सराहनीय है और अभी भी जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और तैयारी में है, क्योंकि जिस भी क्षेत्र से कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है और ये मुस्तैदी आगे भी रखनी होगी। हालांकि अगर छूट मिलती है, झारखंड की बात करें, अगर छूट दी जाती है तो यहाँ पर काम जो है जिला प्रशासन का और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, सख्ती और ज्यादा बरतनी होगी, क्योंकि छूट दी जाएगी तो आवाजाही तेज होगी, तो सतर्क रहने की बेहद जरूरत होगी। चलिए सुरेंद्र, और बने रहिए हमारे साथ, अंजनी भी बने हुए हमारे साथ लाइव और प्रभात भी जमशेदपुर से लाइव बने हुए हैं, लगातार इस पर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों में आगे बढ़ते हैं और लगातार अनलॉक वन पर चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, अंजनी रांची से जुड़े हुए, जमशेदपुर से प्रभात और बोकारो से सुरेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे चलते हैं अंजनी के पास। अंजनी, देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार की गाइडलाइन में ये तो कहा गया है कि राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य हम जा सकते हैं बिना पास के, तो क्या सवाल ये रहेगा मेरा कि क्या राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले तक जाने के लिए क्या परिवहन जारी कर दिया जाएगा, क्या ऐसी कोई सूचना मिल रही है? देखिए, जिस तरह से जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार ने दिया है उसके अनुरूप यदि हम बात करेंगे तो ये सुविधा जो है झारखंड के अंदर आप दूसरे जिलों में भी जाने की इजाजत जो है मिल सकती है, लेकिन परिवहन की शुरुआत होगी कि नहीं होगी ये एक संशय बरकरार है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि बसों का परिचालन शुरू हो सकता है, शहर में चलने वाले ई रिक्शा का परिचालन शुरू हो सकता है, लेकिन इसमें तमाम तरह के जो गाइडलाइंस हैं उसका अनुपालन सभी लोगों को करना होगा। तो ये बड़ा मतलब बहुत ये तमाम लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं कि राज्य सरकार किस तरह से फैसला लेती है। लेकिन एक बात जरूर हम कह सकते हैं, कल जिस तरह से ये मंत्री मिथिलेश ठाकुर और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जिस तरह से न्यूज 11 से बातचीत के दौरान अपनी बातों को रखा था, उसके अनुरूप लगता है कि राहत जो है ज़्यादा दी जाएगी, लेकिन उसमें संदर्भ यही रहेगा कि आप नियमों का पालन करें और जो सामाजिक दूरी का निर्वहन है तमाम लोगों को घरों में करना होगा, बाजारों में करना होगा, बसों में करना होगा। लेकिन यदि बसों का परिचालन यदि शुरू होता है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि किस तरह से यदि एक बस में के सीट में दो लोग बैठते हैं तब तो ठीक है, यदि एक सीट में एक लोग बैठेंगे तो संभवतः जो है फेयर भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर एक आकलन हो रहा है, तो ये अब देखना ये होगा कि देर शाम तक किस तरह से खबरें आती हैं। लेकिन मौसम की थोड़ी बात कर लें तो लगता है कि मौसम भी जो है लॉकडाउन 4 खत्म होने का एक जश्न जरूर मना रही है। तेज बारिश हो रही है, काफ़ी तेज हवा है, तो अब लगता है कि मौसम को भी लॉकडाउन पसंद नहीं था, तो अब अपने मौसम भी जो है पूरे सबाब पे है, अपना करवट मौसम ने बदल ली है। बिल्कुल अंजनी, मौसम बिल्कुल अपने सवाब पे है, सुहाना मौसम है ये, और तमाम तस्वीरें आपके पीछे हम बखूबी देख सकते हैं। बने रहिए अंजनी, प्रभात के पास चलते हैं, जमशेदपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभात, देखिए यहाँ पर सरकार के लिए दो चुनौती खड़ी हो चुकी है, एक अनलॉक वन, जिस तरीके से अगर छूट दी जाती है तो किस तरीके से छूट को मैनेज किया जाए, दूसरा लगातार प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और इस प्रवासी मजदूर के जरिए हम देख रहे हैं कि लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो दो चुनौतियां यहाँ पर सरकार के लिए है।
बिल्कुल पुनीता, देखिए दोस्त, चुनौती तो सरकार के लिए है, ये जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती है। जिस तरीके से अभी अंजनी जी बता रहे थे बस के परिचालन को लेकर, आज से मैं एक चीज और बता दूं, आज से 100 जोड़े ट्रेन की परिचालन भी आज से शुरू हो रही है। तो निश्चित है जो लोग बाहर घूमने के लिए गए थे वो लोग भी अब आना चालू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं उन लोग के लिए जो जब शहर पहुंचेंगे तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, प्रशासन के लिए और खुद के लिए भी चुनौती होगी कि मैं जब बाहर से आ रहा हूं तो मैं सबसे पहले अपने प्रशासन को सूचना दूं और अपना टेस्ट कराऊं। हालांकि रेलवे ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं, 2 घंटा पहले आपको स्टेशन पहुंचना होगा, स्टेशन में पहुंचने के बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी, प्रॉपर जाँच होगी, अगर आप टेस्ट में पास होते हैं तभी आपको ट्रेन में सफर करने के दिया जाएगा। जहाँ तक बात है ई रिक्शा और बसों की जो बात है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि बस में किस तरीके से क्या गाइडलाइन जो आज से 200 ट्रेनें चल रही है, क्या इसमें भी वही सारे गाइडलाइंस जारी रहेगी जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी 3 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना हो, ये इन ट्रेनों के लिए भी गाइडलाइंस जारी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल पुनीता, देखिए ये जब ये आदेश जब केंद्र सरकार ने जब दिया था कि आप 200 ट्रेन 1 जून से चलने लगेगी, तो उस दिन ही ये गाइडलाइन आया था कि आपको प्लेटफॉर्म में 2 घंटे पहले पहुंचने हैं, 2 घंटा पहुंचने के पहले आपको स्क्रीनिंग की जाएगी, प्रॉपर टेस्ट की जाएगी, अगर आप टेस्ट में अगर पास होते हैं तभी आपको ट्रेन में बैठने दिया जाएगा। हालांकि आपके पास रिजर्वेशन टिकट होने के बाद भी अगर आप टेस्ट में पास होंगे तभी आपको सफर करने दिया जाएगा, केंद्र सरकार का निर्देश है। निश्चित इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं प्रॉपर अपनी टेस्ट करा ले, सुरक्षित रहें, क्योंकि आप अगर कहीं से भी आ रहे हैं अपने राज्य में पहुंचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं राज्य में उतरने, यानी ये तमाम गाइडलाइंस जो स्पेशल ट्रेन के लिए, श्रमिकों की ट्रेन के लिए जारी गई थी, वही जो गाइडलाइंस है वो इन तमाम 200 ट्रेनों के लिए भी जारी रहेगी। चलिए प्रभात बने रहिए, बोकारो चलते हैं, सुरेंद्र बने हुए हैं लाइव। सुरेंद्र, छोटा सा सवाल आपसे चाहेंगे, फिलहाल बोकारो की स्थिति कैसी है और वहां पर किस तरीके से प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जा रही है, साथ ही साथ लोग किस तरीके से वहां पर जागरूकता दिखा रहे हैं? हालांकि छूट दी जाएगी और इस छूट में आवाजाही तेज होगी, जिसके बाद जिस तरीके से हलचलें तेज होगी तो संक्रमण का खतरा दायरा और भी बढ़ सकता है। जी बिल्कुल आरती, आपका कहना सही है, अगर छूट मिलता है और जिस तरह से लोग, अगर हम बोकारो की अगर बात करें तो लोग जिस तरह से भीड़ भाड़ इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और यहाँ किसी चीज को मान रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुस्तैद है, चूंकि जिस भी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बना दिया गया, जिस क्षेत्र में पॉजिटिव मिल रहा है, कुछ 20 से 25 घरों आसपास के लोगों को बांस से घेर कर कंटेनमेंट जोन बना दिया रहा, जरूरत की चीजें दी जा रही है। लेकिन अगर ये छूट मिलती है, जिस तरह से कई दुकानें भी लॉकडाउन 4 में खोल दिया गया है और अनलॉक में भी कई दुकानें खुलेंगी, जिस तरह से लगातार लोगों का भीड़ उमड़ रहा है, दुकानों में जा रहे हैं, चूंकि कई दिनों से दुकानें नहीं खुली है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, मास्क लोग नहीं पहनकर जाते हैं, तो ये आता और भी बढ़ता है। जारी की गई उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि अगर छूट दी जा रही है, अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है, तो साथ ही साथ जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो, मास्क का उपयोग करना हो घर से बाहर निकलने से पहले, तो तमाम चीजों को फॉलो करना होगा। चलिए सुरेंद्र और प्रभात, अंजनी, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहे और तमाम चीजों पर चर्चा की गई। तो सवाल यही है कि आज से लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो चुकी है, साथ ही साथ अनलॉक फेज 1 की भी शुरुआत आज से हो चुकी है, यानी धीरे धीरे अब करके जो पूरे देश भर में धीरे धीरे जो देश भर में जो स्थिति बंद पड़ी थी उसे जो है अनलॉक किया जाएगा और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। लेकिन राज्य सरकार यानी झारखंड की हेमंत सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है, लेकिन सरकार जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती है, इसलिए स्थिति का जो है गंभीर रूप से मंथन कर रही है, जो भी आकलन करना है वो कर रही है और आज शाम तक इस पर फैसला लिया जा सकता है कि राज्य में क्या कुछ छूट दी जानी चाहिए या फिर किन चीजों में छूट अभी भी बरकरार रखनी चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।